अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल चाल हैं सबके। उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। तो यार आज दोबारा से बात हम करने वाले हैं एक सोशल टॉपिक पर। एक्चुअली हमने इस टॉपिक पर अभी तक बात नहीं की है तो, और बहुत ही वायरल चल रही है ये वीडियो, बहुत ट्रेंडिंग चल रही है। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये वीडियो दिखाता हूँ कि जिस बारे में हम बात करने वाले हैं। सर आप नाराज, आपको पता है मैं कौन हूँ? आपको पता है मैं कौन हूँ? आपने मुझे कभी टीवी पे देखा है? सर आप नाराज मत हो, नाराज मत हो। आप एम्प्लॉई हैं, आपका काम है मेरी बात मानना। बिल्कुल सर, बिल्कुल। ये सारे अपना काम कर रहे हैं सर, नाराज मत हो। मैं आई एम पेइंग यार। जी हाँ, अली रहमान खान पाकिस्तानी एक्टर हैं, मेरे हमनाम भी हैं। और इनकी आजकल एक वीडियो बहुत वायरल चल रही है जिसमें वो मैकडोनल्ड पे जो है एम्प्लॉय के साथ काफ़ी बदतमीज़ से बात कर रहे हैं। तो एज अ व्यूअर फर्स्ट रिएक्शन तो मेरा भी यही था कि यार इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए थी, वाकई यार ये किस तरीके से बात कर रहे हैं। और जस्ट 10-11 सेकंड की वीडियो थी और उसमें ये सब चीज़ें दिखाई गई। लेकिन मेरे जहन में ये बात भी आई कि यार दूसरा पहलू भी हमें देखना चाहिए। आई डोंट नो कि दूसरा रीज़न क्या है, वो क्यों इस तरह से किसी के ऊपर इस तरह से चिल्ला रहे हैं। उसके बाद बहुत पब्लिक लैश आउट स्टार्ट हो गया और सब लोगों ने बहुत बुरा भला कहना शुरू किया। और उसके बाद इनका द सेकंड वीडियो भी हम आपको दिखाते हैं। सेकंड वीडियो भी आप देखें। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम है अली रहमान और अभी हमने सोशल मीडिया पे एक वीडियो अपलोड की कि वायरल हो जाए, एंड लो एंड बिहोल्ड वो वायरल हो गई, जिसपे मेरी काफ़ी बैशिंग हुई एंड राइटफुली सो, होनी भी चाहिए थी। आई जस्ट वांट लेट यू गाइस नो दैट दिस वाज अ सोशल एक्सपेरिमेंट। द एम ऑफ द वीडियो वाज टू रेज अवेयरनेस ऑन हैशटैग तुम जानते हो मैं कौन हूँ कल्चर। The disparity between rich and poor is immense in our country and the so-called VIP culture doesn't do anything to help it. और बस इसी पे मैं आवाज़ उठाना चाह रहा था। आई एम रियली हैप्पी टू सी कि आप लोगों ने अपनी आवाज़ उठाई और इस पे बोला, एंड दैट यू गाइस हाईलाइटेड द इशू। एंड मैं बस सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि हम लोग ट्विटर पे और सोशल मीडिया पे, इन प्लेटफॉर्म पे आवाज़ उठाते हैं मगर हम लोग इसके बारे में इस पे अमल नहीं करते। तो इसका मकसद ये है कि आप लोग बिल्कुल जब इस तरह की चीज़ देखते हैं, वीडियो जब इस तरह की देखते हैं, बड़ी जारिंग सी वीडियो है, देखना अनकम्फर्टेबल है। तो ये तो हमारे सोसाइटी में हर वक्त होता है और हमें इस पर आवाज़ उठानी चाहिए मगर इस पर अमल भी करना चाहिए, अपने घरों में अपना अमल करना चाहिए, अपने बच्चों को सिखाना चाहिए। तो प्लीज़ इस पर अमल भी करें। आई एम सो हैप्पी दैट आप लोगों का रिस्पॉन्स ऐसा है। आई जस्ट लाइक टू थैंक माई पार्टनर्स, द स्टाफ एट मैकडॉनल्ड्स फॉर बींग सच अमेजिंग पार्टनर्स इन क्राइम। तो दूसरी वीडियो में आपने देखा कि अली रहमान खान ने जो है अपोलोजाइज किया और बताई सारी बात के किस तरीके से जो है उन्होंने एक सोशल मीडिया एक्सपेरिमेंट किया है। इस तरह से उन्होंने दिखाया कि वो जैसे कि एम्प्लॉय के साथ जो है उनकी एक मुँहमारी चल रही है किसी वजह से, और हैशटैग उनका ये था कि तुम मुझे जानते हो कि मैं कौन हूँ। एक्चुअली ये वाकई कल्चर हो चुका है और इसी तरह ही आजकल चलता है। आप अक्सर, आपकी भी किसी के साथ लड़ाई होती है तो आप देखते हैं कि अगला बंदा ज़रूर ये डायलॉग बोलता है, तुम मुझे जानते नहीं हो, या एज इट इज़ कुछ भी इस तरह की बातें होती। तो खैर इस वीडियो के बाद अली रहमान खान के ऊपर और क्रिटिसिज्म स्टार्ट हो गया कि यार देखो आँखें कुछ बोल रही हैं, अल्फाज कुछ बोल रहे हैं और बातें इनकी मैच नहीं हो रही और सब कुछ फेक लग रहा है, सब झूठ लग रहा है। अब जो है ये लोग जो है इस चीज़ को बस वो घुमा फिरा रहे हैं कि यार चलो बात ख़त्म करते हैं। लेकिन वाकई उस वीडियो के बाद मुझे भी ऐसा ही लगा था कि शायद ये रियलिटी नहीं है और शायद जो है ऐसा नहीं हुआ होगा, इन्होंने ये आपस में बाद में कहीं जाकर हो सकता है ये सेटलमेंट कर ली होगी। बट इन कम्स द थर्ड वीडियो, तीसरी वीडियो में वाकई ये सारी बात क्लियर हो गई। तीसरी वीडियो भी आप देखें। आप सबके साथ इस तरह मजाक करते हैं? सर आप नाराज हो रहे हैं? नहीं नहीं, आप मतलब कि मेरा आपका मजाक है? अरे मैं आपसे मजाक नहीं कर रहा, सच कह रहा हूं। नहीं, आप जानते हैं मैं कौन हूँ? सर आप नाराज हो रहे हैं, आपकी बात बिल्कुल सही है। तुमने कहना था मैं कौन? तुम आ जाओ यार, तुम आके कर लो ये। नहीं दोबारा कर लेते, चलो बैठे चलो दोबारा। रेडी या आप सबके साथ? तीसरी वीडियो देखने के बाद ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई कि जैसे कि आप लोगों ने देखा कि वो बैठे हुए वहाँ पर हंसी मजाक उनसे कर रहे हैं मैकडॉनल्ड के एम्प्लॉयज़ के साथ, और बहुत सारे लोग ये बात कह रहे थे कमेंट्स में। हमारा काम ही क्या होता है, हम कमेंट्स पढ़ते हैं। तो कमेंट्स में बहुत सारे लोग ये बात लिख रहे थे
कि यार ये सब फेक है और ये बाद में जाके वही शर्ट और वो सब का जाकर और सब जो है कर लिया। तो अगर सबसे पहली बात, अगर आपको इस चीज़ का यकीन नहीं है, मैं किसी की साइड नहीं ले रहा हूँ, बट इट्स रियलिटी कि अगर ऐसा होता तो अली रहमान खान के बिल्कुल बैक साइड पे खड़ा हुआ बंदा तो वो बाद में तो नहीं आता ना, अगर ऐसा ही होता तो। इट वॉज़ रियली सोशल मीडिया एक्सपेरिमेंट और अच्छा एक्सपेरिमेंट था। और सादे अल्फाज में अगर कहा जाए तो आप लोगों के साथ एक मजाक किया गया है, कैमरे की तरफ हाथ हिला दें, और पूरे पाकिस्तान के साथ ही मजाक किया गया है। और अली रहमान खान ने जो है वो नादिर अली को रिप्लेस कर दिया है, नंबर वन जो है प्रैंकस्टर बन चुके हैं अब वो, और उन्होंने जो है ये प्रैंक किया हम लोगों के साथ। खैर जोक्स अपार्ट, बहुत अच्छी, बहुत अच्छा सोशल मीडिया सोशल एक्सपेरिमेंट था, बहुत अच्छा सोशल एक्सपेरिमेंट था, क्योंकि वाकई ये चीज़ ख़त्म होनी चाहिए कि जिस तरह से हम किसी के ऊपर भी धौंस जमाने लगते हैं, कोई भी अगर किसी की पहुंच ज़्यादा है और वो किसी को हल्का देखता है कि यार ये बंदा मुझसे कमज़ोर है, वो फ़ौरन उस पर धौंस जमाना शुरू करता है। जैसे कि आपने वीडियो में देखा, अगर इट्स अगर रियलिटी होती तो जैसे अली रहमान खान एक एक्टर हैं और वो एक एम्प्लॉय है, तो ये चीज़ हमें ज़रूर देखनी चाहिए, और हमारे माशरे में ये चीज़ बहुत ज़्यादा है, तो हमें ख़ुद के अंदर ये तब्दीली लानी होगी, वो वाली तब्दीली नहीं, ख़ुद के अंदर एक तब्दीली लानी होगी, और हमें ये सब चीज़ें ख़त्म करनी चाहिए। इस तरह से किसी के ऊपर, अगर आप किसी को अपने से कमज़ोर देख रहे हो तो उसके ऊपर रोब नहीं जमाओ, धौंस नहीं जमाओ, और कभी भी किसी की बात भी, किसी के कोई अगर आपको कुछ जवाब नहीं दे सकता, हो सकता है आप उससे ज़्यादा ताकतवर हो लेकिन वो आपको जवाब नहीं दे सकता, लेकिन उसकी दिल की आवाज़ तो अल्लाह तक पहुँच रही है ना, तो कहीं ऐसा ना हो, कहीं कोई उसकी ऐसी आ लग जाए, कोई ऐसी उसकी बद्दुआ लग जाए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, और बहुत ख्याल रखना चाहिए। अगर ऐसी कोई बात हो भी जाए तो थोड़ा सा काम डाउन रहें हर जगह पर, इस चीज़ को हमें रियलाइज़ करना होगा मुझसे लेकर आप तक। और बहुत अच्छा था, हैट्स ऑफ टू अली रहमान खान, और उन्होंने बहुत अच्छा प्रैंक किया ये वाला। और बस यही था हमारे ज़िलियन टॉकीज से आज के हमारे एपिसोड से, यही था। आई एम सॉरी, आज मैं कुछ थोड़ा अच्छा फील नहीं कर रहा, बट ये वीडियो भी बनाना ज़रूरी थी, इस वक्त ये वीडियो काफ़ी वायरल चल रही, तो चलो सोचा कि इस बारे में वीडियो बनाते हैं। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, और हमारी वीडियो को ज़रूर शेयर करें, और अली रहमान खान को सपोर्ट करें, और इस प्रैंक को आगे फैलाएँ।